गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉर्मल लेविज की सेशन 1 पढ़ेंगे। इसके हम रूट और मेनी के बारे में पहले जानेंगे। रूट है, फर्स्ट रूट है ईगो, है ईगोट, इसका मीनिंग होता है सेल्फ। दूसरा है अल्ट्रू, इसका मीनिंग होता है अदर। थर्ड है आईएसटी, अगर जिस किसी के भी वर्ड में आईएसटी लगा हो वो पास्ट ऑफ स्पीच से नाउन होता है और वो डिनोट, इसका मीनिंग होता है वन हु या पर्सन। थर्ड नेक्स्ट आते हैं मिस या मिसो। मिस या मिसो का होता है मीनिंग हेड। नेक्स्ट आते हैं एंथ्रोप, एंथ्रोप का होता है मीनिंग मैन काइंड। नेक्स्ट रूट लेते हैं गैम, गैम मिस होता है मैरिज, मैरिज। एक होता है गाइन, गाइन का मीनिंग होता है वुमेन, राइट। नेक्स्ट रूट और मीनिंग लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, फिर इसके वन वर्ड के बारे में बात करेंगे। एक होता है इंट्रो, एक होता है एक्स्ट्रो, एक होता है एमबी, एक होता है भॉट। देखिए इंट्रो मिस इनसाइड, एक्स्ट्रो मिस आउटसाइड, एमबी मिस बॉथ, ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों होता है इसका मीनिंग, राइट। अब हॉट मिस होता है टर्नड टू या रिलेटेड टू, और जिस किसी भी वर्ड के अंत में हॉट लगा हो तो पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होता है, राइट। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट रूट और नेक्स्ट मीनिंग। एक होता है एसेट, इसका होता है मीनिंग होता है सेवेरिटी। सेवेरिटी का हिंदी होता है, हिंदी मीनिंग होता है तपस्वी, तपस्वी। और एक आईसी होता है, आईसी के भी मीनिंग होता है रिलेटेड टू, और ये भी जिस किसी भी वर्ड के अंत में आईसी लगा हो वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव, राइट। तो हम लोगों ने रूट और मीनिंग के बारे में जाना। फर्स्ट रूट था ईगो आई गोट, जिसका मीनिंग होता था सेल्फ। दूसरा वर्ड था अल्ट्रू, जिसका मीनिंग होता है अदर। थर्ड था आईएसटी, जिस किसी के भी वर्ड में आईएसटी लगा हो वो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन होता है और उसका मीनिंग होता है पर्सन या वन हु। नेक्स्ट था मिस या मिसो, मिस या मिसो का मीनिंग होता है हेड। नेक्स्ट था एंथ्रोप, एंथ्रोप मिस मैनकाइंड। और नेक्स्ट था गैम, गैम मिस मैरिज, गाइन। नेक्स्ट था गाइन, गाइन मिस वुमेन। और नेक्स्ट था इंट्रो, इंट्रो मिस ईस्ट साइड इनसाइड, एक्स्ट्रो मिस आउटसाइड, राइट। और था एमबी मिस बॉथ इनसाइड और आउटसाइड। नेक्स्ट था भॉट, भॉट मिस जो जिस किसी भी वर्ड के अंत में भॉट लगा हो वो पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है टर्न टू या रिलेटेड टू। नेक्स्ट था हम लोगों को एसेट, एसेट मिस ये सेवेरिटी, सेवेरिटी का हिंदी मीनिंग होता है तपस्वी। और एक होता है आईसी, आईसी मीन्स रिलेटेड टू, आईसी जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा हो वो पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होता है। अब हम लोग जो रूट से जुड़ा जाता है सेंटेंस, उस मतलब की मीनिंग उसके बारे में जानते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में फर्स्ट रूट दिया है ईगोइस्ट। जिस देखिए पहले कैसे कैसे इसको तोड़े, ईगो प्लस आईएसटी, जिस किसी वर्ड के भी अंत में आईएसटी लगा हो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन। आईएसटी किसको रिप्रेजेंट करता है, वन हु या पर्सन को, राइट। ईगो मिस ईगो के मीनिंग क्या लिखा है सेल्फ, देखिए इसका वन वर्ड पूछा है, एक वन वर्ड एग्जाम में है।
one who thinks about self. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है उसको बोलते हैं egoist. इसके हिंदी मीनिंग होती है स्वार्थी. राइट अब नेक्स्ट लेते हैं. egotist. देखिए egoist और egotist में क्या अंतर मिलता है हम लोग को. देखिए egot को अलग किए IST को अलग किए. जिस किसी भी वर्ड के अंत में IST लगा हो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन. ये रिप्रेजेंट करता है वन हु. इसका मीनिंग होता है या पर्सन. राइट नेक्स्ट है egot. egot की मीनिंग होती है सेल्फ. देखिए इसमें अंतर. इसके वन वर्ड के बारे में बात करते हैं. वन हु थिंक्स एंड स्पीक अबाउट सेल्फ. राइट जो अपने बारे में बोलता हो और सोचता भी हो उसको इगोटिस्ट बोलते हैं और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो इगोइस्ट बोलते हैं उसको. अब थर्ड लेते हैं. थर्ड है हम लोग के बुक में नॉर्मल लेविस के बुक में है अल्ट्रुइस्ट. अल्ट्रुइस्ट देखिए हम लोग अल्ट्रू पढ़े थे IST पढ़े थे. जिस किसी भी वर्ड के अंत में IST लगा हो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन. ये रिप्रेजेंट करता है वन हु या पर्सन को. ओके अल्ट्रू मीन्स अदर. देखिए इसके वन वर्ड के बारे में बात करते हैं. वन हु थिंक्स एंड स्पीक अबाउट अदर्स. जो दूसरे के बारे में सोचता और बोलता हो उसको बोल देंगे अल्ट्रुइस्ट. इसकी हिंदी मीनिंग होती है परोपकारी. राइट अब लेते हैं नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है मिशन थ्रो पिस्ट. हम लोग मिस या मिसो पढ़े थे रूट में और एक एंथ्रो. अगर जिस किसी भी वर्ड के अंत में IST लगा वो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन. ये रिप्रेजेंट करता है वन हु या पर्सन के बारे में. राइट मिस के मीनिंग क्या लिखा था हेट एंथ्रोपमिस मैन काइंड. इसके वन वर्ड के बारे में बात करते हैं. देखिए ये मिसोन्थ्रोपिस्ट कैसे व्यक्ति के लिए आता है. One who hates mankind. जो मानवता से नफरत करता हो उसको बोलते हैं misanthropist. अब लेते हैं नेक्स्ट वर्ड. एक हम लोग पढ़े थे मिसोगैमिस्ट. मिसोमिस हेड. एक गैम पढ़े थे मैरिज. एक IST मिस वन हो. अगर जिस किसी भी वर्ड के अंत में IST लगा हो वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को. तो देखिए मिसोगैमिस्ट किसके लिए आता है. वन हु हेट्स मैरिज. जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं मिसोगैमिस्ट. राइट अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड है
मिसो गाइनिस्ट। देखिए मिसो मिस हेड, गाइन मिस वुमेन, आई एस टी मिस वन हु या पर्सन, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है नाम को। तो देखिए इसके वन वर्ड के बारे में बात करते हैं। वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसो गाइनिस्ट बोलते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रोवर्ट। अगर किस देखिए इसको एक्स्ट्रोवर्ट, जहाँ कहीं भी हम लोग का सांस मतलब टूटे वहाँ से उसको डिवाइड करेंगे। अगर पढ़ना है एक्स्ट्रोवर्ट तो एक्स्ट्रो अलग हो जा रहा है, भट अलग हो जा रहा है, वहीं से हम लोग को इसको तोड़ना है। एक्स्ट्रो भट, भट मतलब क्या बताए थे, टर्नड या रिलेटेड टू, टर्न टू या रिलेटेड टू। और ये किसे को रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसका होता है एक्स्ट्रो मिस होता है आउटसाइड, बाहर की ओर। देखिए अगर टर्न आउटसाइड को एक साथ मिलाएं आउटसाइड, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहरमुखी। बहरमुखी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, इसके वन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वन हु डज स्पीक, स्पीक ए लॉट, जो ज़्यादा बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, बहरमुखी। वन हु डज स्पीक ए लॉट अगर आए हैं तो एक्स्ट्रोवर्ट, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। देखिए हम लोग को इंट्रो अलग हो जा रहा है, भट अलग हो जा रहा है पढ़ने पर, वहीं से इसको डिवाइड कर देंगे। इंट्रो मिस इनसाइड, भट मिस टर्नड या रिलेटेड टू, राइट। अगर जिस किसी भी वर्ड के अंत में वो वी ई आर टी भट लगा हो वो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को डिनोट करता है। इसके वन वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो वन वर्ड होता है हाँ टर्न इनसाइड। टर्न इनसाइड मतलब कि इसका हिंदी मीनिंग होता है बहरमुखी। छोड़िए हिंदी क्या होता है, देखिए वन हु डज नॉट स्पीक एंड टॉक ए लॉट, जो बहुत कम बोलता हो या बातें करता हो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अब नेक्स्ट रूट था हाँ एम बी एक लिखवाए थे ना, एक होता है एम बी भट। देखिए एम बी अलग हो जा रहा है, भट अलग हो जा रहा है, सिलेबल इसको बोलते हैं। तो एम बी मिस बोथ, ये बोथ मिस इनसाइड और आउटसाइड, भट मतलब टर्नड या रिलेटेड। भट जिस किसी भी वर्ड के अंत में हो वो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके में वन वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए ये एक ऐसा व्यक्ति हाँ नॉर्मल पर्सन इसको बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्मल पर्सन मतलब कि इनसाइड और आउटसाइड, जो हमेशा साधारण पर्सन हो। देखिए इसके एक वन वर्ड पूछा गया है, वन हु इंट्रो भट एंड एक्स्ट्रो भट, उसको बोलते हैं एम बी भट, जो एकदम साधारण पुरुष हो उसको एम बी भट,
आते हैं नेक्स्ट। एक लिखवाए थे एसेट, एसेट मीन सेवेरिटी, और एक आई सी वो होता है रिलेटेड टू, एक होता है लास्ट है एस से टिक। तो देखिए जैसे कि एसेट अलग हो जा रहा है, आई सी अलग हो जा रहा है, एसेट टिक। तो ये होता है, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू, पार्ट ऑफ ए स्पीच एडजेक्टिव, एसेट मीन सेवेरिटी। इसके एक वन वर्ड के बारे में बात करते हैं, रिलेटेड टू सेवेरिटी मतलब कि तपस्या से संबंधित, उसको क्या बोलेंगे, तपस्वी। इसके एक मीनिंग में बात करें तो तपस्वी, तपस्या से संबंधित। एक इसके पूछा हुआ वन वर्ड लिखते हैं, ए रिलीजियस पर्सन, ए रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट ऑफ लाइफ, एक धार्मिक व्यक्ति और जो मतलब कि कठिन जीवन जीता हो, वो होता है तपस्वी, राइट। तो हम लोगों का सेशन वन समाप्त हुआ, ओके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8210499559 पर अपना, अगर आप स्टडी मटेरियल्स पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर, हम लिंक भेज देंगे।